इसराइल के टैंक गाजा शहर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए हैं। गाजा के अंदर इजरायली फोर्स और हमास के बीच आमने सामने का अब जमीनी युद्ध चल रहा है। इजरायली सेना सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। हमास का दम निकलता जा रहा है, इतने हमले किए जा रहे हैं इजरायल की सेना की ओर से। गाजा सिटी पूरी तरह से घिर चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है। गाजा सिटी की सीमा की इंच दर इंच ईंट पर आईडीएफ ने पहरा बिछा दिया है। इन जवानों की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर है, एक ऑर्डर और छलनी छलनी। गाजा के गेट पर इजराइल के टैंक खड़े हैं। इजराइल के इंतकाम की आग गाजा को जला रही है। क्या अब गाजा की गली गली लाशें बिछेंगी? खून ही खून होगा गाजा की गलियों में अगर वक्त रहते विश्व बिरादरी ने कोई फैसला नहीं किया। शांति के सफेद कबूतर उड़ाने से नहीं, जमीन पर उतरकर एक्शन से मिलेगा हल इजराइल युद्ध का। लेकिन ये हल किसे चाहिए, इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले खबर घिर चुकी सिटी गाजा की। पहले इसे नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं। गाजा सिटी गाजा के उत्तर हिस्से में है, दक्षिणी हिस्से में मिस्र है और पूरे पूरब में इजराइल की सीमा फैली है। अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट के जरिए हमास की कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, सुरंग और दूसरे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हम हमास को खत्म करने की जंग में हैं। इस समय सीज फायर पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। दरअसल अरब देशों के किसी बड़े एक्शन से पहले इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेना चाहता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा पट्टी पर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अब सेना ने पूरी तरह से गाजा पट्टी को घेर लिया है और जमीनी आक्रमण की तैयारी अब की जा रही है। अब देखना होगा कि हमास कब तक इजराइल के तोप और टैंक के सामने टिकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना ने सिर्फ 24 घंटे में करीब 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया। हमास से लड़ाई में आईडीएफ के करीब 23 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों को फिलहाल गाजा के उन इलाकों में तोड़ा जा रहा है जो इजराइल के कब्जे में है। इन्हें तोड़ने के लिए इजरायली इंजीनियर्स विस्फोटक और रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईडीएफ की सदन कमांड के हेड को सुनकर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। हो सकता है शुरुआत में हमास पर इन सुरंगों से हमले करें, इन सुरंगों की एंट्री बंद कर दें, हमास के कमांडरों को अंदर ही दम घोट कर मारेंगे। ये टनल अब आतंकियों की खबर बनेगी। सिर्फ 4 सवालों के जवाब में छिपा है गाजा सिटी को घेर कर नस्तो नाबूद करने का नेतन्याहू का प्लान। इसकी डिटेल बताने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की नई घोषणा सुन लीजिए। हम जंग के चरम पर पहुंच गए हैं, हमें कई प्रभावशाली सफलताएं मिली हैं। हम गाजा शहर के बाहरी इलाकों को पार कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान के पहले अमेरिका के ड्रोन गाजा में ड्यूटी पर जुट गए हैं। इन ड्रोनों को बंधकों का पता ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कम से कम 240 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है। अब इन बंधकों के परिवारों को हमास की ओर से चिट्ठी भेजी जा रही है। बंधकों की रिहाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसका हल उतना ही मुश्किल। इसराइल का फोकस इस वक्त हमास के सर्वनाश पर है। हमास की ओर से ये कहे जाने के बावजूद कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है, नेतन्याहू नहीं रुके। एक और रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। जबालिया की तरह यहाँ भी हमास के लड़ाकों के छुपे होने की बात थी। लेकिन यही नहीं, इसराइल गाजा के पोर पोर में बारूद भर रहा है।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुरेज रिफ्यूजी कैंप में 15 लोगों की मौत हुई। यहां 46,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। इसके पहले 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसराइल ने गाजा के सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। इस बीच इसराइल की सेना का दावा है कि हमास का प्रमुख नेता इस्माइल हानिया अपने निजी प्राइवेट जेट से ईरान के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा है। आज जिस तरह से गाजा सिटी को इसराइल ने घेरा है, उसी तरह रूस की सेना ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया था। कीव अड़ा रहा और पुतिन अब तक विजय से दूर है, लेकिन गाजा सिटी कीव नहीं है। गाजा सिटी में न ट्रेंड सेना है, न उतने बड़े पैमाने के हथियार हैं, न हमास के इतने लड़ाके हैं कि वो इसराइल की तकनीकों से लैस सेना का सामना कर सके। नतीजा तय है कि गाजा सिटी में इसराइल की सेना जितना अंदर घुसेगी, गाजा सिटी का उतना हिस्सा इसराइल का हो जाएगा। हमास के बाद गाजा पर किसका शासन? गाजा हर सेकंड स्वाहा हो रहा है। इस बीच अमेरिका और इसराइल के अधिकारी गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संसद में बताया कि सरकार इस मामले में कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सुनिए। हम पुराने ढांचे पर वापस नहीं लौट सकते। जब हमास गाजा पर शासन करता था, इसराइल भी गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बात उनके अधिकारियों ने खुद स्वीकारी है। ऐसे में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर दूसरी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने भी कई बार कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते। गाजा पर शासन कौन करेगा, इस पर अभी से चर्चा शुरू है। मतलब कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका के सामने स्थिति साफ है कि हमास का अस्तित्व 2-4 दिनों से ज्यादा का नहीं है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर इसराइल गाजा से हमास के शासन को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे में गाजा सरकार को लेकर फिलहाल 3 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, गाजा के आसपास के क्षेत्र में मौजूद देश सरकार चलाए। इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं निगरानी करेंगी। दूसरा, गाजा में मल्टीनेशनल फोर्स और ऑब्जर्वर ग्रुप यानी MFO की मदद से एक शांति सेना तैनात की जा सकती है, जो फिलहाल इसराइल मिस्र बॉर्डर पर मौजूद सिनाई पेनिनसुला में तैनात है। तीसरा, आखिरी ऑप्शन जिस पर विचार किया जा रहा है, वो ये है कि UN की निगरानी में गाजा में एक अस्थायी सरकार का गठन हो। अमेरिका इस स्टैंड पर करेक्ट है कि गाजा में एक लॉन्ग टर्म समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है। वहां एक प्रभावी सरकार की जरूरत है जो कानून व्यवस्था को बहाल कर सके। लेकिन ये सरकार किसकी मदद से या किसके इशारे पर चले, दिक्कत यहाँ है। अमेरिका की कोशिश है कि गाजा की सरकार की कमान उसके और पश्चिमी देशों के हाथ में हो। अरब चाहते हैं कि गाजा उनका हो जाए, लेकिन इस बीच गाजा के 20 लाख लोग हैं जिन्हें कोई भी देश शरण देने के लिए तैयार नहीं है। एक मिस्र को छोड़कर जिसने राफा बॉर्डर खोला, लेकिन लिमिट। गाजा भी यूक्रेन की तरह वो युद्ध भूमि है जहां जमीन पर किसी और देश की सेना लड़ रही है और सेना के हाथ में हथियार किसी और देश के हैं और सेना किसी और देश के लड़ने का मकसद पूरा कर रही है। गाजा में हमास लड़ रहा है जिसकी जीतने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, मतलब हार तय है। लेकिन अगर गाजा में हमास हारा तो गाजा कितने टुकड़ों में बटेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि युद्ध में हर पल हालात बदलते हैं। गाजा पहले ईंट दर ईंट गिरा, अब दीवार दर दीवार ठह रहा है। इसराइल के हमदर्दी के टुकड़ों पर 20 लाख फिलिस्तीनी जीने को मजबूर है। लेकिन खुद को फिलिस्तीनी लोगों का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने वाला इस्माइल हानिया गाजा के लोगों को उनके हाल पर छोड़ विदेश भाग रहा है। हमास के दूसरे कई टॉप के नेता पहले से तुर्की और कतर में अशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर गाजा में बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, पुरुष जलाए जा रहे हैं और हमास सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है देख लेने की।